मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो क्या कि हमको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा उसको हमको स्टेटमेंट लिखना होता है। ये आज हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार से स्टेटमेंट लिखेंगे। दोनों चैप्टर में ये स्टेटमेंट लिखना बेहद आसान है, लेकिन वो आसान तभी बनेगा जब अपना सारा ध्यान आप बस 5 मिनट के लिए आपको इधर देना होगा। ठीक है, अब सारा ध्यान आप समझने पर लगा दो क्या कि जब भी हमको जस्ट लाइक अगर मान लो x प्लस 5 है, इसको हमको लिखना है किसमें, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग जानते हैं प्लस को क्या क्या करना है। तो पहले इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि प्लस को हम लोग क्या क्या कहते हैं। प्लस को हम लोग एडेड टू कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेड टू, मतलब जहां पर भी प्लस लिखेगा उसकी जगह पर हमको एडेड टू लगाना है। जस्ट लाइक यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह पर एक्स लिख दिए, इस प्लस की जगह पर हम लोग एडेड टू लगाएंगे, एडेड टू। फिर फाइव है तो यहाँ फाइव लिख दिए, सिर्फ हम लोग प्लस की जगह पर एडेड टू लिख दिए, ये हमारा स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो, अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख चुके। हाँ जी, एक चीज और, अब आप बोलोगे भैया सिर्फ हम लोग एडेड टू ही लगा सकते का? नहीं, एडेड टू के अलावा और भी कुछ है, जस्ट लाइक इंक्रीज्ड बाय, ये भी है इंक्रीज्ड बाय, आप ये भी लगा सकते हो। जैसे हाँ देखो, हम लोग बोल सकते हैं एक्स जहां प्लस है, इस प्लस की जगह पर हम लोग एडेड टू लिखे थे, जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करो। हम लोग प्लस की जगह पर एडेड टू लिखे थे, अब यहां पर एडेड टू की जगह पर हम लोग इंक्रीज्ड बाय भी लिख सकते हैं। इंक्रीज्ड बाय अच्छे से लिखना चाहिए, इतना छोटा छोटा लिखते हैं। अच्छा, कोई नहीं, फिर से हम लोग लिखेंगे इंक्रीज्ड बाय। ठीक, इंक्रीज्ड बाय, बस हो गया। इधर एक्स था, फिर प्लस की जगह पर इंक्रीज्ड बाय, फिर पांच का पांच लिख दिए, कन्वर्ट। इसी को कहते हैं हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिए। आप भी लिख सकते हो, अगर रहेगा 5 प्लस वन, ये रहेगा, आपको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा। अब आपकी इच्छा, भैया जी मेरा मन कर रहा है इसमें लिखने का, तो लिखो ना, लिखना है आपको, लिखो इस फॉर्म में लिखो। क्या होगा, यहाँ 5 का 5, प्लस को हम लोग क्या क्या कह सकते, एडेड टू कह सकते और इंक्रीज्ड बाय कह सकते। तो यहां पर प्लस की जगह पर हम लोग इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय लिख लिए, वाई का वाई हो गया, बन गया स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गया। इसमें एक और आता है द सम ऑफ के फॉर्म में, द सम ऑफ, ये हम लोग सीखेंगे, इसलिए परेशान मत होना, अभी सीखेंगे। ठीक, अगेन अगेन अगेन, ये तो हुआ प्लस का बात, हम लोग माइनस को क्या क्या लिख सकते, सुन लो ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है। माइनस को हम लोग लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, लेकिन ध्यान में रखना है इसमें आप एक चीज, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिख सकते हैं और पता है आपको लेस देन लिख सकते हैं, क्या लेस देन, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, इस दोनों में जो ये दोनों है जिसमें हम लोग स्टार लगा रहे हैं ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा अच्छे से उस पर सारा ध्यान आपको लगाना है, मतलब वहां पर अधिक अच्छे ढंग से आपको समझना है वहां पर जहां पर स्टार लगा हुआ है। क्यों, इसलिए इस बात को समझ लेते हैं। यहां देखो, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जब भी आएगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे यहाँ पर माइनस आ गया, 5 माइनस वाई आ गया, अब इसको हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब मैंने बताया इस माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम या फिर लेस देन, आपकी क्या इच्छा। आप बोलोगे भैया हम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखेंगे, तो लिखते हैं माइनस की जगह पर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, लिख दिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब क्या किया जाए, लेकिन यहाँ पर जैसे वहां पर क्या था प्लस वाले में, इस 5 को आगे में y को इधर लिखते थे, लेकिन नहीं, इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और लेस देन में हम लोग जो है y को पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे, जो इधर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, y पहले और 5 अंतिम में चल जाएगा। अब बोलना है y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, मेरा मन किया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम की जगह पर, आप बोलोगे भैया तो बिजनेस माइंडेड है, अब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम की जगह पर हम लोग लेस देन का प्रयोग करेंगे, करो जहां माइनस है वहां पर लेस देन लगा दिए, लेस देन बस। लेकिन ध्यान में रखना जो अंत में रहेगा उसको पहले लिखना है, जो स्टार्टिंग में रहेगा उसको लास्ट में लिखना है, क्यों, जब इसका आप मीनिंग जानोगे ना समझ में आ जाएगा। क्या मतलब, हमको 5 से 5 में से घटाना है वाई, इसलिए हम लोग इस वाई को पहले लिखे और 5 को अंतिम में लिखे। ठीक है, यहाँ पर भी लेस देन आ गया, लेस देन मतलब क्या, जो अंतिम में रहेगा उसको पहले, जो स्टार्टिंग में रहेगा उसको अंतिम में लिखना, मतलब वाई लेस देन 5, वाई लेस देन 5। ये तो बात माइनस का। अच्छा, मल्टीप्लाई को क्या क्या लिख सकते हैं दीदी, मल्टीप्लाई को क्या क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई को हम लोग जो है ना टाइम्स
या फिर मल्टीप्लाइड बाय जो हम लोग बोल रहे हैं साइड ना, सिर्फ उतना आपको ध्यान में रखना है। प्लस को क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस को क्या क्या लिख सकते हैं, बस इतना आप ध्यान में रख लोगे, ये जो स्टेटमेंट का है ना ये क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई को हम लोग टाइम्स लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, सुन लो, हम बार बार कह रहे हैं जो चीज लिख रहे हैं ना, बस इतना सा ध्यान में रख लोगे, मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, मल्टीप्लाई को या तो आप टाइम्स लिखो या तो मल्टीप्लाइड बाय लिखो। जस्ट लाइक यहाँ पर लिखो 5x लिखा होगा, मतलब यहाँ 5 है 5, x है x है, बीच में मल्टीप्लाई है ना। मल्टीप्लाई को हम लोग क्या क्या लिखेंगे, या तो टाइम्स लिखेंगे या तो मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे, आपकी इच्छा। बीच में जो लिखना है लिखो, या तो टाइम्स लिख लो तो 5 टाइम्स x, या फिर यहाँ मेरा अच्छा है कि हम जो यहाँ पे टाइम्स की जगह पर मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे तो लिखो ना, इसमें क्या दिक्कत, मल्टीप्लाइड बाय। बस इधर 5 था 5 लिख दिया, x था x लिख दिया, कितना आसान था। सिर्फ इस टाइम्स को मल्टीप्लाई की जगह पर इस मल्टीप्लाइड बाय को है ना, इस मल्टी बीच में जो मल्टीप्लाई उसकी जगह पर लिखे। अच्छा जी, अगर हम लोग बोलेंगे इसमें एक चीज और आता है, वो क्या, द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छे लिखो द प्रोडक्ट ऑफ। अभी हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, अभी सीखेंगे। यहां पर भी आता है द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा जी भैया जी इतना कुछ आता है, अच्छा कोई नहीं घबराओ मत, बहुत आसान है। अब डिवाइड को क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय, ये हम लोग सीखे हुए हैं ना, हमको लग रहा है ऐसा कि हम ये सब सिखाए हुए हैं आपको, लेकिन कोई नहीं, एक बार फिर से करें, सीख लेते हैं। मान लो यहाँ पर 6 ऐसे मानते हो, ध्यान दो, x बाय 3 ये आपके सामने आ गया, इसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो आप डरना मत, सिंपल सा, यहाँ एक्स है फिर डिवाइड है 3 है, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं भैया जी, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाय लिखते हैं, यहाँ लिखा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, यहाँ ऊपर में एक्स है ना तो एक्स इधर दे दिए, 3 यहाँ है 3 यहाँ दे दिए, एक्स डिवाइडेड बाय 3 मतलब एक्स में 3 से भाग लग रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा जी ये समझ में आ गया। और अगर इस तरह रहेगा, अब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, भर भर के क्वेश्चन रहेगा, अब आपको समझना होगा। ठीक है, अब सबका पहले प्रयोग करना सीखो, अभी सिखाने के लिए काफी कुछ है, लेकिन आपको पहले इन सब का स्टेटमेंट लिख के सीखना होगा, इसको दिमाग में बैठाना होगा, किस प्रकार से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो लिखना सीखना होगा आपको। इसे यहाँ पर 6x + 7 ये आपके सामने आ गया। अब देखो इस प्लस को हम लोग क्या करते, जो यहाँ बीच में साइन है प्लस, प्लस को हम लोग या तो एडेड 2 कहेंगे, या तो इंक्रीज्ड बाय कहेंगे, या फिर द सम ऑफ कहेंगे। अब आपकी इच्छा क्या हो रही है भैया जी, हमारी इच्छा हो रही है कि हम इंक्रीज्ड बाय से लेके चले, तो चलते हैं इंक्रीज्ड बाय से ना। हाँ जी, तो प्लस की जगह पर हम लोग इंक्रीज्ड बाय लिख देंगे, इस प्लस की जगह पर लिख रहे हैं इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय लिख दिए। ठीक, अब ये 6x था, 6x इधर, ये 7 इधर, लेकिन आप बोलो कि भैया तो मेरा ही बात सुन लीजिए, क्या हम यहाँ पर 6x को 6 टाइम्स x तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई छिपा हुआ। बिल्कुल लिख सकते हो आप, लिखो ना, इसमें क्या दिक्कत है, इस 6x को हम लोग लिख सकते हैं 6 टाइम्स x। ठीक, आप बोले भैया मेरा इच्छा ना कर रहा, हम 6 टाइम्स x नहीं लिखेंगे मल्टीप्लाई को, हम लिखेंगे क्या 6 मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे। अब जो पीछे मल्टीप्लाई है ना उसको या तो आप टाइम्स लिखो, यहां पर या तो टाइम्स लिखो, या तो मल्टीप्लाइड बाय लिखो, या तो द प्रोडक्ट ऑफ लिखो, वो आप पर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से लिखते हो। हम लोग इस बीच में जो मल्टीप्लाई है इसको हम लोग टाइम्स लिख दिए, आपका अच्छा क्या नाम है भैया, हम जो है इस मल्टीप्लाई को कुछ और लिखेंगे, तो लिख दो मल्टीप्लाइड बाय, वो आप पर डिपेंड कर रहा है। मैंने एक जगह पर लिख दिया आपको, इसको अच्छे से समझना है आपको। अच्छा एक बार आप, अगर हम लोग द सम ऑफ के रूप में बनाएंगे तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है 2 + 7, इसको द सम ऑफ के रूप में लिखना है, सीधा लिखना है स्टार्टिंग से द सम ऑफ, द सम ऑफ क्या क्या है, 2 and 7, 2 and 7 बन गया, यही तो है स्टेटमेंट। कितना आसान हो रहा है बताओ, कितना आसान है, सबसे आसान है, इसको हमको द सम ऑफ के फॉर्म में लिखना है, तो क्या बोलेंगे, द सम ऑफ 6x + 7, देख रहे हो है कि सब में ये तीनों में इसी तरह होगा, स्टार्टिंग में देना है और एंड देके कर देना है, समझ रहे हो। अब ये जी कितना आसान था, मतलब द सम ऑफ क्या क्या है 6x + 7। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर 6x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 6 × x, लिख सकते हैं 6x को हम लोग जानते हैं लिखना क्या, 6 × x, हाँ तो 6x की जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते, तो यहां लिख दो, जगह कम है तो हम लोग टाइम्स वाला ही लिख लेते, 6 times x,
ये आप पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। अगर इतना रहेगा 6x बटे 7 रहेगा, ये रहेगा तो क्या करना है वो समझो। इस बटे को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाय लिखते हैं या फिर द कोसेंट ऑफ, द कोसेंट ऑफ। भैया जी धीरे धीरे तो आप बढ़ाए जा रहे हैं। आपको पता है मुझे कुछ समझ में ना आवत है, समझना पड़ेगा आपको इस बात को। समझो यहाँ क्या है, 6x by 7 है। अब इसको किस प्रकार से आप लिखोगे ये आपको समझना होगा। क्या इस बटे को हम लोग क्या लिखते हैं, इस भाग को क्या लिखते हैं, भाग को हम लोग लिखते हैं द कोसेंट ऑफ या फिर डिवाइडेड बाय। तो लिखे यहाँ पे डिवाइडेड बाय, कोसेंट ऑफ से ही बनाएंगे, परेशान मत। डिवाइडेड बाय इस भाग को लिख दिए, ठीक। ऊपर में क्या है 6x, तो इधर 6x लिख दिए, 7 तो 7 लिख दिए, बन गया। अब आप बोले भैया जैसे यहाँ पर हम लोग 6x को 6 टाइम्स x लिखे थे, क्या यहाँ पर, अरे सब जगह आप लिख सकते हो, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको समझना होगा, बस मैं समझाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। यहाँ आप क्या लिखोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय x या फिर द प्रोडक्ट ऑफ 6x, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x, ये भी लिख सकते हो। लेकिन यह जगह कम है तो ऊपर वाला ये कम जगह लेता है, इतना ध्यान में रखना। तो क्या होगा 6 टाइम्स x, ये कैसे अच्छा का क्या हो गया। चलो 6 टाइम्स x, हाँ भैया जी ये तो समझ में आ गया, काफी अच्छा लगा सुनने में समझने में। अब कुछ और देखेंगे, आज इतना सही रखेंगे, ज्यादा इसमें नहीं लेंगे, मतलब आपको इतना समझना होगा, ठीक है, इस सारे बात को आपको समझना होगा, समझने के बाद ही आप अच्छे ढंग से इसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, सुनना समझना अच्छे ढंग से, यहां पर 2x + 7 ये दिया हुआ, इसको आपको कंप्लीट करना है। क्या बोलोगे आप भैया जी, 2x को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, 2x को हम लोग बोलेंगे, अच्छा रुको यहाँ प्लस है, प्लस को हम लोग क्या क्या कहते हैं, एडेड टू या इंक्रीज्ड बाय या द सम ऑफ लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस को हम लोग या द सम ऑफ लिखेंगे या तो एडेड टू लिखेंगे या तो इंक्रीज्ड बाय लिखेंगे, बताओ मैं क्या लिखूं, द सम ऑफ तो लिखते हैं, इस प्लस को लिखना है द सम ऑफ, जो नीचे वाला है ना द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द कोसेंट ऑफ, ये स्टार्टिंग से ही लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, द सम ऑफ किसमें किसमें, 2x and 7। यहाँ पर 2x आ गया, इसको और तोड़ना है हमको, 2x को क्या लिखेंगे, 2 times x, इस 2x को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x को हम लोग लिखते हैं 2 times x या फिर 2 multiplied by x या फिर द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x लिख सकते हैं ना, देखो है ना द प्रोडक्ट ऑफ, या तो टाइम्स के फॉर्म में लिखो या तो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिखो या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x, बस यही आपको लिखना है। कितना आसान है, कितना सहज है ना आसान, हाँ जी। तो इस तरह आपको लिखना है, लेकिन जानते हो इसको अच्छे से देखो, 2 times x हो, हम लोग ये जो 2 times है ना, इस बात को दिमाग में रखना, 2 times है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ट्वाइस कहते हैं, आपको काफी जगह दिखेगा ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 times, मतलब वहां 2 से गुना हो रहा है, ठीक। अगर 3x रहेगा तो मतलब 3 times रहेगा, तब इसको हम लोग कहते हैं थ्राइस, ठीक है। अगर अगर कहीं पर थ्राइस दिखे, मतलब समझ लेना वहां पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ट्वाइस दिखे समझ लेना वहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, इसका मतलब इस 2x को हम लोग बोल सकते हैं 2 times x, लेकिन 2 times को शॉर्ट फॉर्म में ट्वाइस कहते हैं, तो सीधा लिखो 2x। अगर आपके दिमाग के ऊपर ऊपर से सारी बातें निकल रही हो तो घबराइयो मत, आपको मैं कुछ बनाने के दे रहा हूं। क्या हो गया, कोई नहीं। इसको बनाओगे 6x, 2x plus 1, 6x plus 2, 9x by 3, 4x plus 3, 6x plus 9, 2 plus 6x, 6x minus 2, minus 3. इसमें और कुछ है समझना है, ठीक है, पहले बनाओ इसको। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 6 times x या फिर देखो मल्टीप्लाई है बीच में, या तो टाइम से बनाओ या तो मल्टीप्लाइड बाय से बनाओ या द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब तीनों से आप बना सकते हो, और आपको तीनों से बनाना है, मतलब जितना चीज दिख रहा है अगर 3 है तीनों से बनाओगे, यहाँ भी तीनों से बनाओगे, यहाँ भी तीनों से बनाओगे, यहाँ पर दोनों से बनाना है आपको, अगर भाग रहेगा तो, मतलब इसको क्या क्या बोलना है आपको, 6 times x या फिर 6 multiplied by x या फिर द प्रोडक्ट ऑफ 6 and x। इसको क्या बोलोगे, यहाँ प्लस है, प्लस को या तो आप एडेड टू इंक्रीज्ड बाय या द सम ऑफ, इससे बनाना है आपको। तो क्या बोलोगे, इस प्लस को लिख देंगे एडेड टू, इधर 2x इधर 1, अब इस 2x को क्या लिखते हैं, 2x। भैया जी पता है, मतलब 2x को क्या लिखते हैं, 2x, पता है ना, यहाँ हम लोग लिख देते हैं
टू टाइम्स जहां पर रहेगा उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ट्वाइस, और थ्री टाइम्स जहां पर रहेगा उसका शॉर्ट फॉर्म होता है थ्राइस। ठीक है, बहुत अच्छे, इस तरह ही आपको करना है। यहां पर 6x plus 2 है, तो क्या बोलना है, प्लस को लिखते हैं एडेड टू या इंक्रीज बाय, तो बोलना है 6x इंक्रीज बाय 2, अब 6x को लिख देना है 6 टाइम्स x, समझ रहे हो, मतलब इस प्लस को क्या क्या बोलते हैं, एडेड टू, यहां देखो एडेड टू या फिर इंक्रीज बाय या दस सम ऑफ, तो आप आपको डिपेंड करता है वो बनाना। अगर दस सम ऑफ से बनाना होगा क्या करेंगे, पहले लिख देंगे दस सम ऑफ, द सम ऑफ क्या है 6x एंड 2 है, अब 6x तो क्या कहते हैं 6 टाइम्स x, तो लिख लो यहां 6x को 6 टाइम्स x। देखो मैं समझाने के लिए आपको पहले 6x लिख लेता हूं, ठीक, लेकिन आपको यहां पर खुद से करना होगा, इन सबको आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, साफ साफ हो क्या, यहां पर देखो 9x बटे 3 है, यहां बोल सकते हैं द कोसेंट ऑफ, स्टार्टिंग में बोल रहा हूं ना, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, स्टार्टिंग से ही लिखना आपको, स्टार्ट शुरू कर देना, मतलब द कोसेंट ऑफ क्या क्या है 9x एंड 3, 9x एंड 3, 9x को क्या कहेंगे 9 टाइम्स x, बस इसी तरह करना है आपको, मतलब 9 टाइम्स x। अब आपके सामने 10 क्वेश्चन, पहले इसको बना लो पूरा, सुन लो एक बार, अगर मैं कहूं कि सबको बनाना है और मेरी बात को आपको मानना होगा, मानोगे तभी मैथ बहुत आसान होगा आपके लिए, वरना सोचो यही छोटी छोटी गलतियां जो है ना एक दिन सर भारी, मैथ का काम है जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको ये जो प्रैक्टिस होता क्या है बस समझ लिए ना वो भूल जाओगे आप, इतना ध्यान रखना। अब इसमें और कुछ समझाने के लिए, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक और है, यहां पर भी है, मतलब कुछ बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन मुझे पता है इतना कुछ आपका भी क्लियर ही नहीं हुआ है, ज्यादा बताने के बाद वो चीज बाहर सर के बाहर जाने लगती है, कम से कम इतना आप पहले ध्यान में रखोगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको कम से कम इतना तो क्लियर करना होगा, इतना क्लियर करना मतलब आपको मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, इतना कुछ मिला हुआ है सबको प्रैक्टिस करके पहले दिखाओ, और सुन लो इससे पहले मैं सारा का सारा बना हुआ मुझे चाहिए, ठीक। आगे इतना बनाने के बाद आपके सामने 10 क्वेश्चन, हाँ जी ये तो बनाओगे ही बनाओगे, उसके बाद 10 नहीं 10 ज्यादा होगा, ठीक है ज्यादा नहीं, आप 10 क्वेश्चन दे लीजिए ना कोई दिक्कत नहीं, चल कोई बात नहीं, आपके सामने 10 क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करते 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना, ये आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है, कोई क्विज नहीं, सिर्फ टेस्ट है आपका। पहला क्वेश्चन है 6x बटे 3, दूसरा क्वेश्चन 3x बटे 9, तीसरा क्वेश्चन 6x माइनस 7, चौथा क्वेश्चन 4x प्लस 9, पांचवा क्वेश्चन 3 प्लस 7x, छठा क्वेश्चन 9x प्लस 10, सातवां क्वेश्चन 3x माइनस 7, आठवां क्वेश्चन 2x माइनस 3, नौवां क्वेश्चन, अच्छा लो टेस्ट ले रहे हैं तो अच्छे 15 क्वेश्चन लेंगे टेस्ट, आज कोई क्विज नहीं सिर्फ टेस्ट लेंगे आपसे, ठीक है, 3x माइनस 3 हो गया, फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लाई नहीं है 6x, ठीक। दसवां क्वेश्चन, सबसे अगर प्लस रहेगा तीनों से बनाना है, माइनस रहेगा तीनों से बनाना है, मल्टीप्लाई तीनों से बनाना है, डिवाइड तो दोनों से बनाना है, ये आपको ध्यान में रखना, 7x माइनस 6x, ग्यारहवां क्वेश्चन 7x बटे 11, 12 12 बटे 3 प्लस x, ये क्या लिख दिए, अच्छा देखते हैं ये आपसे बनता ही नहीं बनता है, उम्मीद करते बनना चाहिए, 13 नंबर 6x माइनस 6x नहीं x माइनस 3, बस 13 क्वेश्चन है, चलो दो क्वेश्चन लिख ही लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा भैया, रिपीट कर दिए ये दोनों, रिपीट मत कीजिए, अच्छा कोई नहीं रिपीट हो गया, क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन सबसे आसान है लेकिन आपको बहुत डाउट देगा ये क्वेश्चन, कोई अधिक ध्यान इस पर देना है और इस पर देना है, ये तो बचा हुआ छोड़ो, इस पर अधिक ध्यान देना है आपको, चलो 15 क्वेश्चन है और ये औचक टेस्ट है आपका, अचानक टेस्ट, इसमें पिटाई भी लगता है पता है ना आपको, हाँ जी चलो इस 15 क्वेश्चन को बनाना है, एक जल्दी से बना के दिखाओ, 7 नंबर से कम आएगा फिर भाई मेरी गलती नहीं है, इतना ध्यान में रखना 7 से ज्यादा आना चाहिए बस, अगर 7 से कम आ गया तो आप और श्याम सुंदर दोनों से दोस्ती कर लेना है आपको, चलो ठीक 7 से कम ही आना चाहिए, इसको बनाओ जल्दी जल्दी।